दोस्तों, अगर आपने भी HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस, जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी कारण से हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, हमारे कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होने का मेन रीजन क्या है, ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय अकाउंट होल्डर या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लायर करते हैं जिसके कारण उनके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो गाइस, पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के आपके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपको अपने अकाउंट के यूज पर या फिर अकाउंट के बेस पर प्री अप्रूवेड ऑफर मिलता है। और जब आपको प्री अप्रूवेड ऑफर क्रेडिट कार्ड का दिया जाता है तो वो एप्लीकेशन होती है आपकी, वो डिक्लाइन होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। कुछ लोगों के ही क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होती हैं। लेकिन जब हम डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा अमेजोन पे ICICI कार्ड हो गया, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक इसी तरह HDFC बैंक में अगर हम डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो गारंटेड हमारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाती है। और कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होने का मेन रीजन होता है हमारे प्रीवियस के ट्रांजैक्शन। जो भी हम प्रीवियस में रीपेमेंट करते हैं, चाहे वो लोन की EMI हो, अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो, उसी बेस के अकॉर्डिंग हमारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन जो अंडर प्रोसेस में रहती हैं वो चेक होती हैं। अंडर प्रोसेस में जब हमारी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रहती है तो उसमें सबसे पहले हमारा जो सिबिल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, उसको चेक किया जाता है। और जो भी हमने प्रीवियस में पिछले टाइम में जो भी हमने लोन लिए हुए हैं उसका रीपेमेंट हमारा टाइम पर होना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई भी NPA अकाउंट है या फिर हमारे लोन में कोई भी प्रीवियस में डिफॉल्ट रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारे कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकती है। तो गाइस, आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी आपका रीपेमेंट हो, चाहे वो लोन की EMI हो, किसी भी टाइप का आपका रीपेमेंट हो, चाहे वो पे लेटर हो, आपको अपना रीपेमेंट है वो टाइम पर करना है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, चाहे हम HDFC नेट बैंकिंग से करें या फिर अमेजोन पे ICICI कार्ड के लिए अप्लाई करें, डायरेक्टली अगर हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमारे एड्रेस पर बैंक की तरफ से एजेंट विजिट करते हैं और हमारा जो भी परमानेंट एड्रेस होता है या फिर जो हम करंट में जहां पर रहते हैं उस एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर एड्रेस वेरीफाई में कोई भी डिफॉल्ट रह जाता है तो हमारी जो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन जो पेंडिंग में रहती है, अंडर प्रोसेस में रहती है, उस क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को डिक्लाइन या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जब भी आपके एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए बैंक की तरफ से एजेंट आए, क्रेडिट कार्ड के एजेंट आए, तो आपको अपना जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट कराना है, वहां पर आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है इनकम प्रूफ। अगर हम डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे बिना किसी ऑफर के, अगर हम क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो गारंटेड हमारे पास से इनकम प्रूफ भी मांगा जाएगा। या तो हमारे पास में सैलरी स्लिप होनी चाहिए या फिर हमारे पास में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ITR होना चाहिए, इसी के बेस पर हमारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव होती है। अगर हमारे पास में सही से सैलरी स्लिप नहीं है, हम जॉब नहीं करते हैं या फिर हमने ITR भी फाइल नहीं किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब रिक्वायरमेंट होती है इनकम प्रूफ की और हम नहीं दे पाते हैं तो भी हमारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो गाइस, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के हमारे पास में तीन मेन कारण होते हैं। सिबिल में डिफॉल्ट, यानी कि आप EMI रीपेमेंट अगर समय पर नहीं करेंगे, आपके लोन में डिफॉल्ट है, आपका लोन अकाउंट NPA हो चुका है, ऐसी स्थिति में आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, इनकम प्रूफ वेरीफाई हो गया, ये क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए होने जरूरी है अगर हम डायरेक्ट किसी बैंक में या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो। बाकी रही बात प्री अप्रूवेड ऑफर की, तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं,
प्राइवेट सेक्टर के बैंक है जो आपके अकाउंट के बेस पर, आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बेस पर, आपकी जो भी वहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है अकाउंट में, उसके बेस पे भी प्री अप्रूवेड ऑफर क्रेडिट कार्ड के प्रोवाइड करते हैं। और जब आपको प्री अप्रूवेड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाता है तो सिंपली आप उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और गारंटेड आपकी एप्लीकेशन है वो अप्रूव भी हो जाती है। दोस्तों एक मेजर मिस्टेक और है जो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड अप्लायर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते समय करते हैं। अगर आप किसी भी बैंक में या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें और वहां पर आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाए, आपके कार्ड की एप्लीकेशन वहां पर अगर डिक्लाइन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको 6 महीने तक वेट करना है, ना कि आपको किसी दूसरे बैंक में या फिर किसी दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि आपका पहले अगर एक बार क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है तो आपके सिबिल स्कोर में, आपके क्रेडिट स्कोर में इंक्वायरी चली जाती है। ऐसी स्थिति में जब आप दूसरे बैंक में या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी में कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो वो कार्ड एप्लीकेशन भी आपके डिक्लाइन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइस इसीलिए आपको 6 महीने का गैप रखना जरूरी है अगर आपके कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई है तो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।